नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 जुलाई शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। रीट एग्जाम से पहले एक बार फिर नकल गिरोह सक्रिय हो गया है। बाड़मेर पुलिस ने रीट से दो दिन पहले ही किसी और की जगह एग्जाम में बैठने वाले डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाड़मेर के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जालीपा में सीनियर टीचर है। टीचर के पास से फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, परीक्षार्थी का जाली रीट एडमिट कार्ड मिला है। मोबाइल में एग्जाम से संबंधित कैंडिडेट मिला है। पुलिस टीचर से डमी परीक्षार्थी व पैसों के लेन देन को लेकर पूछताछ करी है। दरअसल राजस्थान में रीट एग्जाम 23 और 24 जुलाई को होने हैं। बाड़मेर पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई कर जालोर चितलवाना अगड़ावा निवासी आयदान राम को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा और 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपी ने 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। घटना लखनपुर थाने की है। 26 मार्च 2019 को एक व्यक्ति ने नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म का मामला थाने में दर्ज करवाया था। जाँच में पता लगे कि घाटा इलाके का बनवारी और थून इलाके का रहने वाला राहुल नाबालिग को घर के बाहर से बहला फुसलाकर ले गया है। छानबीन में सामने आया कि दोनों आरोपी नाबालिग को पहले भरतपुर ले गए, उसके बाद नगर होती हुई जयपुर ले गए। जयपुर में दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर आरोपियों की डीएनए जांच करवाई, जिसमें राहुल का डीएनए नेगेटिव आया और बनवारी का डीएनए पॉजिटिव आया। सीए इंटरमीडिएट 2022 का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें जयपुर के 4 होनहार स्टूडेंट्स ने इंडिया टॉप 50 में जगह बनाई है। इनमें जयपुर के नारायण ने ऑल इंडिया मेरिट में 11वीं, हर्ष गर्ग ने 16वीं, देवांश ने 22वीं और खुशी अग्रवाल ने 50वीं रैंक हासिल की है। वहीं स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रिजल्ट देख सकते हैं। ऑल इंडिया 11वीं रैंक हासिल करने वाले जयपुर के नारायण ने बताया कि टॉप करने के लिए 14 से 16 घंटे पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है। हम जो भी पढ़ें उसे सही तरीके से पढ़ने से आसानी से सफलता हासिल की जा सकती है। नारायण ने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि खुद को स्ट्रेस फ्री रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए मैं भी पढ़ने के बाद खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए वेब सीरीज़ देखता ताकि माइंड को रिलैक्स कर सकूँ। सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र के गुलाबगंज में युवती ने पीहर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। वह काफ़ी समय से तनाव में थी। युवती की 2.5 महीने पहले शादी हुई थी। अनादरा थाने के हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह ने बताया कि गुलाबगंज में 20 वर्षीय देसु भील ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों ने बताया कि देसु की शादी 2.5 माह पूर्व ही हुई थी, लेकिन वह काफ़ी समय से मानसिक तनाव में थी। देसु की मौत की सूचना उसके ससुराल वालों को दी गई है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले की स्पेशल पुलिस टीम ने शहर में 2 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 8 स्टोरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके कब्जे से सट्टे की पर्चियां और 26,105 रुपये जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के बाद डीएसटी ने स्टोरियों व राशि को कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। डीएसटी के प्रभारी डीएसपी मनोज सामरिया ने बताया कि एसपी राशि डोगरा की ओर से अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसके तहत मुखबिर के जरिए गुरुवार को शहर के नया बस स्टैंड और पुराना बस स्टैंड के पास सट्टे के कारोबार की सूचना मिली थी, जिस पर एएसआई हरिश्चंद्र, हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह, राजकुमार, कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, अंकित त्रिवेदी, राकेश कुमार, अभिषेक, राहुल और भूपेंद्र कुमार ने 2 टीम बनाकर नया बस स्टैंड और पुराना बस स्टैंड पर जाकर दबिश दी। इस दौरान एक टीम ने पुराना बस स्टैंड से 6 सटोरियों को सट्टे की पर्ची काटते और सट्टा खेलते हिरासत में लिया। वहीं नया बस स्टैंड में 2 स्टोरियों को सट्टे की पर्ची काटते और सट्टा खेलते हिरासत में लिया है। दोनों टीमों ने 8 स्टोरियों से 26,105 रुपये की राशि बरामद की है। बाड़मेर जिले में तंत्र विद्या से नौकरी दिलाने का झांसा देकर 27 वर्षीय विवाहिता से चाकू की नोक पर रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गुड़ा मलानी थाने में रिपोर्ट दी कि 1 साल पहले तांत्रिक 40 वर्षीय चंपालाल निवासी रौली घर पर आया। खुद को तांत्रिक बताते हुए पीड़िता व पति को तांत्रिक विद्या के बारे में बताया, जादू टोना करके नौकरी लगाने का झांसा दिया। पीड़िता के मना करने पर कुछ दिनों बाद फिर से आया और झांसा दिया कि वे एक बार तांत्रिक विद्या करवा कर देख, तेरी किस्मत खुल जाएगी। तांत्रिक ने विवाहिता को झांसे में फंसा लिया। तांत्रिक ने कहा कि नौकरी लगाने के लिए सुनसान जगह पर तांत्रिक विद्या करनी पड़ेगी और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर चाकू की नोक पर रेप किया और किसी को इस बारे में बताने पर बच्चों को मारने की धमकी देकर लगातार देह शोषण करता रहा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
सीकर जिले के नीमका थाना के कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते सीकर एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी नहीं बनाने की एवज में परिवादी से सब इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी थी। रिश्वत लेने के दौरान एसीबी ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद नीमका थाना के कोतवाली थाने में तैनात है। सब इंस्पेक्टर ने परिवादी से मुकदमे के आरोपी नहीं बनाने की एवज में रिश्वत की डिमांड की थी। एसीबी को परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसके खिलाफ बैंक में धोखाधड़ी मामले में मुलजिम नहीं बनाने के लिए सब इंस्पेक्टर ने 1,50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर घूसखोर एसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जयपुर जिले में जुम्मे की रात को 9 करोड़ रुपए की बारिश कराने के नाम पर एक कथित तांत्रिक ने लाखों रुपए ठग लिए। यहां तक कि बेटी की शादी के लिए खरीदा प्लॉट भी बेच डाला। 48 घंटे बीतने के बाद भी जब बारिश नहीं हुई तो बाबा को वीडियो कॉल किया। कथित तांत्रिक ने जवाब दिया कि बेटा सामान महंगा हो गया है, बारिश करवाने वाला इत्र मिल नहीं रहा। ये जवाब सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ बड़ी ठगी हुई है। मामला जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके का है। पुलिस के अनुसार जयपुर दिल्ली रोड पर रैगरों का मोहल्ला में गद्दे और पर्दे की शॉप के मालिक जमील खान की मुलाकात सावन खान से हुई थी। सावन खान ने जमील के सामने तांत्रिक का जिक्र किया और कहा कि वह एक ऐसे बाबा को जानता है जो जुम्मे के दिन पैसों की बारिश करवाता है। अकबर खान ने जमील से कहा कि 9 करोड़ रुपए की बारिश करवानी है तो 21,00,000 रुपए लगेंगे। जमील ने सावन को कहा कि उसके पास सिर्फ 6,00,000 रुपए हैं जो बेटी की शादी के लिए रखे थे। जमील ने वो रुपये निकालकर सावन को दे दिए और बाद में उसे ठगी का एहसास हुआ। अलवर जिले में पति, ससुर व अन्य परिवार वालों ने आधी रात को महिला पर हमला बोल दिया। सरिया चाकू से उसे लहूलुहान कर दिया। वह बेहोश हो गई, मरा हुआ समझकर उसे छोड़कर भाग गए। घटना के करीब 2 घंटे बाद महिला की बहन को खबर लगी तो वो हॉस्पिटल ले गई। 6 दिन इलाज कराने के बाद महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दी पर सुनवाई नहीं हुई। मेडिकल तक कराने में पुलिस ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। काफी दौड़ने के बाद मेडिकल करवाया गया, फिर भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे परेशान होकर महिला अपने परिवार वालों के साथ पहले एसपी फिर जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। कहा कि 15 जुलाई को पति सहित 4 के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, गिरफ्तार सिर्फ पति की हुई है। मामला अलवर का है। बहादुरपुर निवासी महिला 30 वर्षीय ओमन गंभीर हालत में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी की जनसुनवाई में पहुंची तो लोग सकते में आ गए। उसे गले और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने कहा कि 14 जुलाई की रात 1 बजे उसके पति कमल सिंह, ससुर निरंजन सिंह, चाचा ससुर सुखराम व जय सिंह ने चाकू से उसका गला काटा, गर्म सरियों से दागा। पुलिस ने पति कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कलेक्टर ने फौरन सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए।